आप सभी का स्वागत वाइस न्यूज 18 में। आज हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के कमिश्नरेट कार्यालय के बाहर, और जो कि यहाँ पे कुछ संगठन के द्वारा कुछ लोग आए हैं। यहाँ पर इनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या करके आना पड़ा। क्या नाम है, शुभनाम आपका? मैं शिष्य चतुर्दी हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। यहाँ पर हमारे कांवड़ यात्री भाई आए हैं और ये लोग कांवड़ लेके गए थे मनकावेश्वर मंदिर। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने वहाँ पर इनसे अभद्रता की। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार कांवड़ यात्रियों पे पुष्प वर्षा कर रही है, उनका स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। दूसरी तरफ एक लखनऊ का प्रसिद्ध मंदिर, वहाँ पर कुछ अराजक लोग जिस प्रकार से घटना करते उसकी शिकायत को लेकर के आज हम, मनोज सिंह जी हमारे भाई और हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और आए हैं। और माने जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सर हैं उनसे हम लोगों ने मिले, अपनी बात रखी। उन्होंने पूर्णतः आश्वस्त किया कि अगली सोमवार को जब आप कांवड़ यात्रा लेके आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारी बातें थी उसकी जांच के लिए उन्होंने कह दिया कि उसके हम जांच करवा लेते हैं। तो दोनों बातों को उन्होंने सुन लिया है और बाकी की बातें हमारे कांवड़ यात्री जो गए थे जिनके साथ समस्या हुई है उस पूरी बात आपको विधिवत बताएं। क्या नाम है आपका? पंडित जितेंद्र शर्मा, जय भोले। हमारा अपना संगठन जो कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र संगठन है, रजिस्टर्ड है, उसके बाद माननीय योगी जी ने रोक लगा दी गई थी। किसी भी कांवड़ संगठन के नाम से या कांवड़िए संगठन के नाम से कोई भी संगठन पंजीकृत नहीं होगा। हम लोग अपनी परंपरा जो कि मनकामेश्वर मंदिर में निरंतर कांवड़ यात्रा चलाते रहते, भी डाक बम जो कि दौड़ के जाते हैं, दौड़ के आते हैं, कांवड़ लेके हम लोग आए थे, जिसमें मनकामेश्वर मंदिर में सेवक हैं या जो भी हैं हम उनको नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ सकल से पहचानता हूँ, नाम से वाकिफ हूँ। अजय सिंह नाम है उनका, गवर्नर हाउस में बताते हैं कि गवर्नर हाउस में मैं इंस्पेक्टर हूँ। उन्होंने सारे कांवड़ियों के संग बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया, बच्चों से अभद्र व्यवहार किया, महिलाओं से अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया और कांवड़ भी चढ़ने नहीं दी है। कितने वर्ष से कांवड़ आ रही थी अभी? ये मान के चलिए यहाँ पे 8 वर्ष से लगातार कांवड़ चल रही है। 8 वर्ष से, तो 8 वर्ष मतलब जैसे 8 अब की आए हैं तो 8 हुआ था आपका, इससे पहले क्या चढ़ने की कांवड़ सबको निरंतर चढ़ने की, लेकिन अजय सिंह जो हैं ये या तो पिछले 3 बार से ऐसा हुआ, लेकिन अब की तो एकदम ही इन्होंने पूरी अपनी मर्यादा लांग दी। एक छोटी सी बच्ची जो 4 वर्ष की है उसको कहते हैं कि इसको टॉवल पहला के लेकर आओ मंदिर में। जो लाइन लगती है बाहर उनको नहीं कहा जाता कि आप साड़ी पहनिए, आप सूट पहनिए। अगर हमारे कांवरिया हैं उनसे औरतों को कहा जाता है कि आप साड़ी पहन के मंदिर में प्रवेश करिए। फिर उनकी अगर मंदिर में जो लड़कियाँ हैं, जो सेविका हैं, वो क्यों सूट पहनती हैं? फिर उन्हें भी साड़ी पहनना चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ पे जो अजय सिंह हैं, पंडित हैं, क्या हैं ये नहीं पता है मुझे, उन्होंने इस तरीके का लैंग्वेज यूज किया, इधर आ बे तुझे मैं बताता हूँ। वहाँ पे जो बाहर मंदिर के ये जो अजय सिंह हैं उन्होंने किया महिलाओं से भी मुझसे बोलते हैं अरे देख लेंगे तुझे, वो मुझे देखने की बात की है। उसके बाद से बाहर जो शिवलिंग के बाहर जो पुजारी बैठे थे उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे धक्का दिया। ये कहाँ शोभा देता है कि मंदिर के अंदर कांवरियों से, वो भी खास तौर से महिला से, इस तरीके की बात की जाए। इस तरीके इसकी शिकायत अभी तक आपने कहाँ कहाँ? अभी हमने सबसे पहले कमिश्नर डी के ठाकुर को दिया है, अब इसके आगे अभी उन्होंने तो हमें आश्वासन दिया है कि वो जाँच कराएंगे, प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि दूसरे सोमवार जब हम जाएंगे तो वो हमारा साथ देंगे। इसके बाद अभी आगे हम देखते हैं, हम गवर्नर हाउस भी जाएंगे। इसके बाद अगर कमिश्नर साहब के पास आएंगे, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे कहाँ जाएंगे? तो हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे जी। तो ये जो शिव भक्त थे जिसको काफ़ी दिक्कतें हुई आपकी कांवड़ यात्रा में, ये वो लोग थे। कैमरामैन दीपक राजपूत के साथ शुभम गुप्ता, लखनऊ।